तो इसके लिए आप लोग से उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ मैनली सर्विस सेंटर, बाइक का सर्विसिंग कराना है। तो आप सोच रहे हो कि बाइक का सर्विसिंग कैसे करा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो जहाँ ऑटो में रहूँ, बट बाइक में जो है मॉर्निंग में वहाँ पर देखे आया था और उनको बोला था कि जब भी आप सर्विसिंग शुरू करोगे जस्ट इन्फॉर्म मी, जस्ट कॉल मी, तो मैं आके वीडियो बनाऊँ। एक अच्छा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है मुझे मेरी ऑडियंस को देना है अबाउट बेंगली TRK पावर 2X, क्या क्या सर्विस होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 21,000 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। तो उस 21,000 किलोमीटर में बाइक ने क्या क्या खर्चे दिए, कितना कॉस्ट हुआ है, ठीक है। तो ये यही करते हैं सर, तो पहुँचते हैं सर्विस सेंटर अभी और दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या खर्चा हुआ है। तो गाइस ऑटो ने जस्ट थोड़ा पहले छोड़ा था, तो अभी हम थोड़ा जा रहे हैं सर्विस सेंटर वॉक करते हुए। थोड़ा सा ही वॉकिंग है, हार्डली 2 मिनट्स का वॉकिंग है। तो देखते हैं बाइक का अपडेट जो है अभी क्या है, कुछ काम शुरू किया है कि नहीं किया है, कि जस्ट बीस्ट बॉय का वेट चल रहा था। तो चलो देखते हैं क्या सीन है। तो सर्विसिंग जो है शुरू हुई नहीं अब तक, वेट चालू था, अभी सर्विसिंग शुरू होगी। तो मैं आपको बताते जाऊँगा कि क्या क्या सर्विस होने वाली है। ऑलमोस्ट 21,000 किलोमीटर होने वाला है बाइक के, सो मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी चीज़ होगी। 21,000 किलोमीटर 2 साल में चला लिया है, सेल्फ ड्राइव बाइक है, लाइक मैंने ही चलाई है मोस्ट ऑफ द टाइम, सो अचीवमेंट टाइप बोल सकते हैं, पैसा वसूल हो रहा है बाइक का। भाई पहले जो है अभी हम ब्रेक पैड खोलेंगे, पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा, 21,000 किलोमीटर चल चुकी है बाइक, आगे का ब्रेक पैड जो है मैंने अब तक चेंज नहीं करा है क्योंकि चल रहे हैं। सो आज रिजल्ट डे है कि ब्रेक पैड्स कितने और चल सकते हैं या चेंज करने का टाइम आ गया। तो यस मैं आपको बता दूंगा कि मैनली TRK के ब्रेक पैड्स कितना टाइम चलते हैं। ब्रेक पैड्स चेक करा लेता हूँ, 50% के हेल्थ के ऊपर है, 20,000 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। तो यार ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई, लाइक 20,000 किलोमीटर में तो सबके ब्रेक पैड लोग चेंज करा देते हैं TRK वाले, मेरे को बहुत पता है मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने ब्रेक पैड जो है अपने चेंज करा दिए। ये फ्रंट ब्रेक पैड्स हो गए। अब रेयर ब्रेक पैड्स की बात करूँ तो ये रेयर ब्रेक पैड्स की कुछ हालत है। रेयर ब्रेक पैड्स मैंने एक्चुअली चेंज कराए थे बीच में, क्योंकि मैंने राइडिंग शूज़ लिया था ना नया वाला, तो फुल टाइम मेरा पैर ब्रेक पे था तो वो घिस गए थे। वो ठीक है सस्ते वाले, बट आगे वाले जो है महंगे, और यस काफ़ी जान बची है इसमें। वो साइड वाले भी है, अभी चल जाएगी और 40,000 किलोमीटर है ना, 20,000 किलोमीटर और चल जाएगी अभी तो, बहुत टाइम है अभी तो। सो ब्रेक पैड्स का खर्चा तो है बच गया अपना, क्योंकि ब्रेक पैड्स अपने एकदम चकाचक नए तो नहीं, बट 50% के ऊपर है यार, लाइक 20,000 किलोमीटर प्लस जो है बाइक चल चुकी है और फिर भी ब्रेक पैड्स की हालत 50% के ऊपर है, मतलब। और मैं ऐसा भी नहीं किया ना, मैं इंजन ब्रेकिंग यूज़ करता हूँ ज़्यादा, मैं इंजन ब्रेकिंग बहुत रेयरली यूज़ करता हूँ, बट कैसे मैं दोनों ब्रेक साथ में यूज़ करता हूँ, तो एज अ राइडर दोनों ब्रेक साथ में यूज़ करने के ये फायदे, आपकी ब्रेक जो है अच्छे से ज़्यादा लास्ट लॉन्ग करती है, ये रही अपनी बाइक। सो वेट करते हैं फॉर नेक्स्ट चेंज। उन्होंने बोला कि मैं 15 मिनट्स बाद जो आपको बुलाऊंगा, कि अभी तो ब्रेक पैड साफ करके लगा दे, तब तक आई हैव टू वेट यार आराम से। भाई मैं तो सजेस्ट करूंगा, ठीक है, जिसके पास भी बेंटली TRK है, बेंटली ओनर्स है, थाने वाला ना बेस्ट सर्विस शोरूम है, ठीक है, पर मैं उधर एक्सपीरियंस किया नहीं हूँ, बट थोड़ा मैंने वहाँ के थोड़े एक्सपीरियंसिस भी सुने, बट उसके कंपैरिजन में ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि इनफैक्ट वहाँ के लोग भी यहाँ आते हैं। सो थम्स अप फॉर थाने सर्विस सेंटर। और अच्छा ही है ना फिर भी, खाली है। चॉकलेट लग रहा है, चॉकलेट नटेला। तो अभी सारा जो है अपना, ये देखो रेड कलर का खून पूरा बाइक का बाहर आ गया। आज दूसरा नया खून डालेंगे। सो अभी इसमें अपना मोतुल का 7140W50 का जो ऑयल जाने वाला है, 3.2 लीटर ऑयल जाने वाला है इसमें, तो ये 3 लीटर है, बाकी 200 ml अपन अलग से डाल देंगे। और लाइक एक ऑयल का प्राइस जो है 1050 है, तो ऑलमोस्ट 3.2 का 3,300 रुपये तक आपको सिर्फ जो है ऑयल का खर्चा है बाइक में। अब इसमें से जो है सिर्फ अपना 200 ml ही ऑयल जाने वाला है। और ये जो है अपना ये ऑयल फिल्टर है, तो ऑयल फिल्टर भी चेंज होगा। न्यू ऑयल फिल्टर हैज बीन
इंस्टॉल्ड। अभी अपन जो है ऑयल ड्रेनेज का वॉल्व भी बंद करेंगे और ये खोल के जो है अपन अपना 3.2 लीटर ऑयल डालेंगे। आज सर्विसिंग हम करेंगे, हम डालेंगे ऑयल अपनी बेंटली टीआर के में। इसमें इसका ऑयल नहीं, इसका खून है, ये खून के वाला चलेगी नहीं है। ये सेकेंड लीटर है अपना 3.2 में से, ये चला गया पूरा अंदर। एक एक बूंद लूंगा भाई, मैं पहले बोल रहा हूँ। अब डालते हैं अपना थर्ड लीटर ऑयल। हो गया, सो भी अपना जो है एयर फिल्टर चेंज और थ्रॉटल बॉडी क्लीन बाकी है। ऑयल फिल्टर और ऑयल चेंज जो है हो चुका है, तो अब अपना जो है बाइक का टैंक खुलने वाला है। टैंक खोल के जो अपने इनलाइन टू सिलेंडर्स है, तो वो थ्रॉटल बॉडी उसको बोलते हैं, तो वो अपन क्लीन करने वाले हैं WD-40 से या जो भी है, तो वो बताऊंगा आपको कि कैसे क्लीन होता है वो। तो अभी सोभी भैया ने बोला कि 20,000 किलोमीटर जो बाइक चल चुकी है, तो कूलेंट चेंज करना मस्ट हो गया, क्योंकि बीच में जो है गर्मी भी थी, तो बाइक के कूलेंट ने काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी झेली है। तो सेफर साइड के लिए हम कूलेंट भी चेंज कर देंगे, ठीक है। 260 रुपीज़ का एक कूलेंट है, तो 260 रुपीज़ के लिए ना ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का, कर देने का चेंज। ये अपनी टैंक जो है पूरी बाहर आ गई है। अब जो ये डब्बा दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर अपना होती है एयर फिल्टर और एयर फिल्टर के नीचे होती है थ्रॉटल बॉडी। तो अब एयर फिल्टर चेंज करेंगे, थ्रॉटल बॉडी अपन जो है क्लीन करेंगे। गाइस एक और चीज़, आज स्पार्क प्लग जो है चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि स्पार्क प्लग हमने लास्ट टाइम इरिडियम वाला लगा दिया था। तो इरिडियम अगर लगा दिया है तो टेंशन नहीं है, थोड़ा क्लीन करके लगा। इरिडियम बहुत चलता है, इरिडियम की लाइफ मतलब जब आपकी बाइक बेचने का टाइम आ जाएगा ना, तभी तक इरिडियम चल जाएगा। तो इरिडियम का ये चीज़ जो है एडवांटेज है। वो ये एयर फिल्टर का डब्बा निकल गया और ये अपनी जो है थ्रॉटल बॉडी है, जो कि अंदर से थोड़ी गंदी हो गई है। यस गंदी है, दिख रहा है आपको, ये ब्राउन ब्राउन ब्लैक ब्लैक जमा हो गया, तो ये जो है पूरा क्लीन होगा। रस्ट क्लीन स्प्रे से जो है इसको भी अपन छोड़ देंगे थोड़ी देर, ऐसे थोड़ा सब चीज़ अंदर निकल जाए, फिर उसको अपन ड्राई करेंगे कपड़े से। तो ये नया अपना एयर फिल्टर है और ये पुराना वाला है ना, तो दोनों में फ़र्क आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो अपना पूरा कूलेंट क्लीन हो चुका है, थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन हो चुकी है, ये पूरा सिस्टम क्लीन हो गया। अब यहाँ से जो है अपन अपना 20,000 किलोमीटर के बाद फाइनली कूलेंट जो है निकाल के वापस भरेंगे। तो ये अपना रेडर का कैप है, इसमें जो है अपना ये पाइप देख लो जा रहा है, तो ये अपना यही वाला पाइप है जहाँ पर कूलेंट डाल रहे हैं हम। तो ये देख रहे हो, सो कूलेंट जो है अपन ने एकदम टॉप अप कर दिया, ऊपर तक भर दिया है नया कूलेंट फाइनली आफ्टर 20K किलोमीटर्स। सो TRK में जो है अपना मोटुल का इनवेल एक्सपर्ट ये वाला कूलेंट जो है यूज़ करते हैं। सो अगर किसी को भी कूलेंट चेंज करना हो तो मोटुल फॉर बेस्ट, क्योंकि मोटुल अपना कूलेंट भी चेंज करता है, मोटुल अपना ऑयल भी चेंज करता है। बिल जो है बन के रेडी हो चुका है, हम वेट कर रहे हैं थोड़ा बारिश स्लो हो जाए तब निकलते हैं। देखो ना, इतने टाइम से जो है बारिश पड़ नहीं रही थी और जैसी सर्विसिंग हुई है अपनी बाइक का बिल रेडी हो गया और बारिश शुरू हो गई। वाव, तो भाई बिल कुछ आया है मेरे सामने, मैं आपको बताऊंगा सब बिल, ठीक है। तो चलो रीड करता हूं अच्छे से आपके सामने कि बिल सिस्टम कैसा है। तो फर्स्ट पार्ट जो अपना आया है मोटुल ऑयल 15W50
ये टोटल हुआ है 3360। ऑयल फिल्टर 308, एयर फिल्टर चेंज हुआ है 600 रुपये का, कूलेंट जो है चेंज हुआ है 334 रुपीज़ का, पेड सर्विस है 3776 रुपीज़, लेबर चार्जेस है यस सर, कंज्यूमेबल चार्जेस है 600 रुपये। तो वैसे कुछ कर करके GST VST मोदी जी का सब ऐड करके 9000 कुछ तो बिल आया है, ठीक है। तो यस 20,000 किलोमीटर्स बाइक का 9000 का बिल बनाया है भाई। बट इस ओके मैं कुछ वो नहीं बोलूँगा कि इतना बिल क्यों आया है, इट्स वर्थ इट, ठीक है। जो मैं जिस हिसाब से बाइक को यूज़ करता हूँ, मैंने इतना घूमा हूँ, तो यार उसका भी हक है ना, है ना, उसका भी तो हक है। सो गाइस, इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग सर्विस सेंटर वाला, सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल बीस्ट बॉय मजर को, मोर गुड क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट कमिंग ऑन माई चैनल। सो गाइस सब्सक्राइब करो, है ना, अपडेटेड रहो, और खुश है ना दो तो। शॉपिंग करा है 9000 का इसका। चलो गाइस मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन।